कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भान सची भूम सुतो बुधस्य गुरु सुख सनी राह केतबा सर्वे शांति करावंत। परम पूजनीय हमारे संत महात्मा गुरुदेव आदर के बुजुर्गों मेरी माता बहने, आज आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले, आज आप लोगों के समक्ष में जो रामायण ज्ञान गंगा यानी प्रश्न उत्तर कंपटीशन रामायण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर भैया हमारे सर्वश्री माननीय सम्माननीय बड़े भ्राता के समान राजेश शास्त्री जी एवं मनीष शास्त्री जी ने जो ये यूट्यूब चैनल पे राम की गंगा बहाया और इसके विषय में आज आप लोगों के समक्ष में मैं कुछ अपनी बात को लेके आया हूं। लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा कल एक क्लिप यूट्यूब चैनल पर वीडियो आई जिसमें 10 अक्टूबर को मंच लगवाया जा रहा है। इसके विषय में जनता जनार्दन के बीच में कुछ बात करने के लिए मैं आया हूं। लेकिन इसके पहले आप लोगों को सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें गुजारे परम पिता परमात्मा को मेरा लाखों प्रणाम है, मेरा कोट कोट प्रणाम है। उस मैया को मेरा कोट कोट प्रणाम है जिसने मुझे जन्म दिया, और मैं अपने पिता को प्रणाम करता हूं जिन्हें मुझे ज्ञान दिया, और अनंत गहराइयों से कोट कोट मेरा प्रणाम है अपने गुरु को। आइए यूट्यूब चैनल पर जो रामायण ज्ञान गंगा यानी प्रश्न उत्तर कंपटीशन का प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे गंगा ये बह रही भैया हमारे राजेश शास्त्री जी एवं मनीष शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत हृदय से साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी। और जितने हमारे छोटे बड़े शास्त्री इस ज्ञान की गंगा में स्नान कर रहे हैं सभी का हृदय से बहुत बहुत सम्मान है। और जितने YouTube चैनल पर हमारे भैया लोग YouTube चैनल चला रहे हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने हमारे कवि हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, और उन महान पुरुषों के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है जिनके इशारे पे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। यदकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। तो आ जाइए, मैं उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए और जनता जनार्दन के बीच में कुछ मैं अपने मन की बात को लेके आया हूं। भैया हमारे ये प्रश्न उत्तर का सिलसिला YouTube चैनल पे जो चलाया ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हमको लगा, बहुत प्रिय लगा। लेकिन मैं देखता चला आ रहा हूं इसमें कुछ कथावाचक लोग टिप्पणियां उठा रहे हैं। कोई कहता है कि ये जो है प्रश्न उत्तर करना ये गलत है, कोई कह रहा है इसको बंद करवाओ, कोई कह रहा है इसको बंद करिए, कोई तो कहता है कि जो प्रश्न उत्तर करता है वो कुत्ता और कमीना है, और कोई तो ये कहता है कि
मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो मैं आपका प्रश्न के उत्तर दूं? तो मेरे समझ में एक बात आई, मैंने कल एक क्लिप यानी वीडियो सुना, कल मैंने एक वीडियो सुना जो 10 अक्टूबर को हमारे परम सम्मानित नरेंद्र नादान जी शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं, 10 अक्टूबर को मंच का प्रोग्राम लगवाने का रखा है भैया हमारे नरेंद्र शास्त्री जी, आपका भी अनंत गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। लेकिन जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, कृपया अपना कमेंट, अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट के रूप में अपना आशीर्वाद हमें जरूर बताइएगा। 10 अक्टूबर को ये जो है मंच लगेगी और 10 प्रश्न रखे जाएंगे, जो 10 प्रश्नों के उत्तर दे देगा उसको विजय घोषित करेंगे। भैया ये नरेंद्र शास्त्री जी ने रखा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा भी कुछ उत्तर यानी दायित्व बनता है। मैं आपकी बात से सहमत जब हूं जब आप हमारी कुछ शर्तें मानेंगे, तब मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। आपने कहा कि जो कथावाचक आएगा यूट्यूब चैनल पे प्रश्न उत्तर यानी कर रहे हैं उनके लिए है, और उसको 5100 रुपए का यानी 5100 रुपए उसको नाम दे करके 5100 रुपया नाम लिखवाना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूं 5100 नहीं मैं 11000 रुपया दूंगा, मैं 11000 रुपया दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त मेरी यह है कि आप जो है जो भी प्रश्न करेंगे वो रामायण से होना चाहिए या भागवत से होना चाहिए या शिवपुराण से होना चाहिए या महाभारत से होना चाहिए, यानी पुराण से ही होना चाहिए वो प्रश्न। और जो प्रश्न आप करेंगे वो प्रश्नों के उत्तर इन रामायण में होना चाहिए, शर्त नंबर एक मेरी ये है। दूसरी शर्त मेरी ये है आपसे, आपने ये काम जो करने जा रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी दूसरी शर्त ये है कि जो है किसी भी पुस्तक से आप बताएं वो प्रमाणित पुस्तक होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसका यानी प्रमाण उस पुस्तक का होना चाहिए, प्रमाणित पुस्तक हो गीता प्रेस गोरखपुर की या अन्य कहीं से वो प्रमाणित पुस्तक हो, ये मेरा दूसरा निवेदन है। और तीसरा मेरा तीसरी बात मेरी ये है कि मैं आपके सामने आऊंगा, मैं 250 रामायण यानी पुस्तकों को लाऊंगा, अगर मेरी बात आपके जो प्रश्न करेंगे अगर मेरी बात आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे पुराण में हमारी रामायण में मिल रहे हैं उत्तर, अगर वो पुस्तक प्रमाणित है तो आपको मानना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है आपसे। अगर शर्त आपको मंजूर है तो आप, मैं आने के लिए तैयार हूं, 5100 नहीं 11000 रुपया देने के लिए भी तैयार हूं, ये मेरी शर्त है। और मैं अपने पुस्तकों यानी 250 रामायणों को साथ में लाऊंगा, साथ में लाऊंगा, साथ में हमारे एक दो साथी होंगे, वो व्यास आपके मंच पे नहीं जाएंगे, ये मेरा ये मेरी शर्त है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो मैं तैयार हूं आने के लिए, क्योंकि आपने ये जो संकल्प किया है तो हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा, मैं तैयार हूं आने के लिए, लेकिन मेरी ये शर्त है। और दूसरी और मेरी और एक शर्त है, आप ये 10 अक्टूबर को ये प्रोग्राम आप रखेंगे, इसके बाद में 10-15 दिन के बाद में जब आपको समय मिले तब आपको एक मीटिंग यानी एक मंच और लगवाना पड़ेगा, ये भी मेरी शर्त है। वो दूसरी मंच कौन सी होगी? दूसरी मंच ये होगी कि
कि कुछ कथावाचक लोग, कुछ लेडीजे, कुछ जेंट्स जो है व्यास गद्दी पे जो है गलत गलत गाने गाते हैं, व्यास गद्दी के सामने जो है गलत बातें करते हैं, ये आपको बंद करवाना पड़ेगा। व्यास गद्दी पे शुक्रिया नहीं अदा की जाएगी, व्यास गद्दी के सामने ढोला नौटंकी नहीं होगा। जो जोकड़ बन के आते पेट में कपड़ा बांध करके, जो स्त्री कपड़े को सुखाने के लिए दूसरे कपड़ों के नीचे यानी सुखाती है, वो लोग जोकड़ लोग जो है वो कपड़े ऊपर पहन के आते हैं, इसको बंद करवाना पड़ेगा। तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भक्तों को, और जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि जो है कृपया आप अपना कमेंट और जो मेरा मत है इस पे कमेंट के रूप में आप जरूर बताइए। और एक बात बताना चाहता हूं, जो ये लोग सोच रहे हैं कि प्रश्न उत्तर का सिलसिला ये बंद मैं करवा दूंगा, तो याद रखना भगवान का सत्संग कीर्तन बंद करवाने का अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। कभी ये मत सोच लेना कि उनकी सत्संग उनका कीर्तन भजन मैं बंद करवा दूं, क्योंकि मैया सती ने बंद करवाया था, माता सती का क्या हुआ मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। और अगर चाहते हो ये बंद हो जाए, ठीक है, अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हो, शास्त्री जी मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, नरेंद्र शास्त्री जी मैं तो उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग ये बंद करवाना चाहते हैं। अगर आप बंद करवाने की बात करते हो तो बंद हो जाएगा ये प्रोग्राम, लेकिन हमारे सात प्रश्न हैं, सात प्रश्न, आप सात प्रश्नों के उत्तर दे दो मैं बंद करवा दूंगा, ये मैं बंद कर दूंगा। संकल्प करता हूं नहीं आऊंगा यूट्यूब चैनल पे, बंद कर दूंगा, लेकिन सात प्रश्नों के उत्तर दे दो। लेकिन उत्तर कैसे होना चाहिए, प्रमाण समेत होना चाहिए, जनता जनार्दन के बीच में किताब पुस्तक के साथ में होना चाहिए। और अगर आपने सात प्रश्नों के उत्तर दिया तो मैं तुमको ज्यादा तो नहीं दे सकता हूं, तुम्हारा स्वागत जरूर कर दूंगा, 2100 रुपए दे करके तुम्हारा सम्मान करूंगा और तुम्हें फूल माला से सम्मानित करूंगा और एक रामायण आपको भेंट करूंगा मैं, एक रामायण जो है आपका जीवन सुधार देगा। हमारे प्रश्न कौन है सुनो, जो लोग बंद करवाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। हमारा पहला प्रश्न ये है कि मुदरी ने सीता जी से क्या बातचीत किया जिस समय हनुमान जी लंका गए। पहला प्रश्न है मुदरी ने सीता जी से क्या बातचीत किया और फिर सीता मैया ने उस मुदरी से क्या कहा, यानी मुदरी ने सीता से क्या कहा और सीता ने मुदरी से क्या कहा, ये पहला प्रश्न प्रमाण सहित होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि नारी नारी ने भोग किया, उससे एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का क्या नाम था, ये प्रमाण सहित जो है कथा आप YouTube चैनल पे लाएंगे जनता जनार्दन के बाद बीच में। नंबर दूसरा प्रश्न ये है। अब तीसरा प्रश्न ये है मेरा कि सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था। खैर मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था, वो रहते कहां थे। नंबर तीन, नंबर चार, अनुसुईया मैया ने जब ब्रह्मा विष्णु को 6 महीना के पुत्र बनाया तो उन बच्चों को क्या नाम रखा उन बच्चों के। नंबर चार, नंबर पांच, पार्वती मैया ने गणेश जी की कितने हजार साल तपस्या करी। नंबर पांच, नंबर छह, पूरब में सूरज उग रहे हैं, पश्चिम में सूरज कब उगे। नंबर छह, नंबर सातवां प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि शंकर भगवान की कितनी रानियां थी, यानी कितनी स्त्रियां थी, और माता पार्वती को किसने मारा और किसने जिलाया। अगर आपके अंदर इन प्रश्नों की क्षमता देने, उत्तर देने की क्षमता है तो आप बंद करवाने की बात करना
अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो बंद करवाने की बात नहीं करना, चुपचाप बिल के अंदर बैठे रहना। ये मेरा जनता जनार्दन से निवेदन है कि जो ज्ञान की गंगा बह रही है इसको बंद करवाना, ये कोई खिलौना नहीं है। अरे बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता, दो मिनट के अंदर बिगड़ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भैया नरेंद्र नादान शास्त्री जी को। मैं आऊंगा 10 अक्टूबर को, मैं आऊंगा, लेकिन मेरी ये शर्तें जो मैंने आपको बताया, अगर इन शर्तों पे मंजूर हैं, आपको मंजूर है तो मैं आऊंगा।